हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 2 अक्टूबर को होने वाले स्मैकडाउन लाइव के फुल प्रीव्यू के बारे में, जो कि होने वाला है हेल इन ए सेल के लिए पहला स्मैकडाउन का एपिसोड। और स्मैकडाउन के लिए WWE ने काफी इंटरेस्टिंग प्रीव्यू दे दिया है। अब हमें रोमन रेंज के लिए भी कोई नया अपोनेंट देखने को मिलेगा। क्या कुछ होने वाला है, कैसा होने वाला है स्मैकडाउन का एपिसोड, पूरी कहानी जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चलो यार, वीडियो की शुरुआत करते हैं लाइक बटन से। और दोस्तों, सबसे पहले इंटरेस्टिंग सेगमेंट की बात कर लें, जो कि हमें देखने को मिलेगा मनी इन द बैंक के लिए। और जैसे कि आपको पता है, मनी इन द बैंक होल्डर है ओटिस, पर गाइस न्यूज इनसाइडर की माने तो यहाँ पर ओटिस अपना मनी इन द बैंक दाव पर लगा सकते हैं मिस के अगेंस्ट। और आने वाले टाइम में हमें मिस वर्सेस ओटिस के बीच में एक मैच देखने को मिलेगा, जो कि होगा मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट के लिए। और जो भी इस मैच जीतेगा उसके पास रहेगा मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट। तो नेक्स्ट स्मैकडाउन पर भी हमें मिस और ओटिस के बीच में कंटिन्यू फ्यूड देखने को मिलेगी। नेक्स्ट गाइस सेगमेंट हमें देखने को मिलेगा फीमेल डिवीजन की तरफ से, जो कि होने वाला है बैली का। और यहाँ पर बैली सेलिब्रेशन करते हुए दिखाई देंगी। पर गाइस यहाँ पर WWE ने एक शॉकिंग ट्विस्ट रखा है, और हमें नेक्स्ट स्मैकडाउन पर फिर से रिटर्न देखने को मिलेगा सासा बैंक्स का। और हो सकता है इस बार सासा बैंक्स और गुस्से में आए और अटैक करें बैली पर। वैसे गाइस सासा बैंक्स की अभी हेल्थ कंडीशन इतनी ठीक नहीं होगी, तो WWE हो सकता है हमें कोई नॉर्मल सेगमेंट दिखाए, पर सासा बैंक्स को दोबारा हाइप दिलाने के लिए, दोबारा से स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए और इस फ्यूड में कुछ मसाला डालने के लिए हो सकता है सासा बैंक्स कुछ चलाके करके अटैक करें बैली पर। और यहाँ पर WWE फैंस इस फ्यूड के लिए और हाइप हो जाएं। इसके बाद गाइस हमें सेगमेंट देखने को मिलेगा 5-way फनास वाले ब्रे वाइट का। और अब ब्रे वाइट क्या करने वाले हैं, ब्रे वाइट का नया शिकार कौन होगा, हमें जरूर इस सेगमेंट में रिवील होगा। और गाइस ब्रे वाइट का बॉबली वॉलर से क्या लेना देना है, नेक्स्ट स्मैकडाउन पर फायरफ्लाई फनहाउस का सेगमेंट भी देखना और इंटरेस्टिंग होगा। पर गाइस बात करें फीमेल डिवीजन की एलेक्सा ब्लिस की, कि एलेक्सा ब्लिस अब क्या कारनामा करने वाली है, क्योंकि गाइस एलेक्सा ब्लिस के बॉडी पर कब्जा कर लिया है फिंड ने। तो अब फिंड क्या कह रहे हैं एलेक्सा ब्लिस से, लास्ट स्मैकडाउन पर WWE ने ऐसा टीज किया था कि अब फिंड एलेक्सा की वजह से पीछे जाएंगे रोमन रेंज के। तो क्या ऐसे ही हमें देखने को मिलेगा नेक्स्ट स्मैकडाउन पर भी, तो नेक्स्ट स्मैकडाउन पर एलेक्सा ब्लिस क्या कमाल करेंगी, ये भी देखना काफी एक्साइटिंग होगा। इसके बाद गाइस बात करें इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप फ्यूड के बारे में। जैसे कि हमने देखा ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिला हमें क्लैश ऑफ चैंपियंस में, और वहां पर विनर रहे सैमी जेन, और अब उनके पास है दोनों चैंपियनशिप। पर गाइस अब क्या हमें ट्रिपल थ्रेट फ्यूड कंटिन्यू देखने को मिलेगी, पर गाइस न्यूज इनसाइडर के माने तो यहाँ पर एजी स्टाइल्स इस फ्यूड से बाहर जा सकते हैं, और हमें जेफ हार्डी वर्सेस सैमी जेन की एक सिंगल फ्यूड देखने को मिलेगी, क्योंकि एजी स्टाइल्स को उनके टाइटल के लिए रीमैच मिल चुका है। पर जेफ हार्डी अभी भी हमें इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल फ्यूड में देखने को मिलेंगे, और अब जेफ हार्डी वर्सेस सैमी जेन हमें हेल इन ए सेल में आपस में लड़ते हुए दिखाई देंगे इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए। नेक्स्ट गाइस और हमें लास्ट सेगमेंट देखने को मिलेगा, जो कि काफी हाईलाइटेड सेगमेंट होने वाला है नेक्स्ट स्मैकडाउन पर, वो होने वाला है द ट्राइबल चीफ रोमन रेंज का, और उनके साथ होंगे पॉल हेमन। और गाइस यहां पर रोमन रेंज हमें कुछ अलग ही अंदाज में देखने को मिलेंगे, और जैसे कि उन्होंने हालत की थी क्लैश ऑफ चैंपियंस में जे उसो की, यहां पर रोमन रेंज वार्निंग दे सकते हैं उस हर रोस्टर के सुपरस्टार को जो कि रोमन रेंज को फेस करना चाहता है। पर गाइस यहां पर इंटरेस्टिंग ये देखना हो कि अब रोमन रेंज के अगेंस्ट कौन होने वाला है, क्या WWE रोमन रेंज के अगेंस्ट यहां पर फिंड को ही लेके आएगी, या फिर कोई हमें दूसरा सुपरस्टार देखने को मिलेगा, क्या फिर से नंबर वन कंटेंडर मैच होगा, रोमन रेंज का किस तरह से रिएक्शन होने वाला है अपने कजन ब्रदर उशो को कूटने के बाद। नेक्स्ट स्मैकडाउन पर ये सेगमेंट देखना सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो दोस्तों ये सारे सेगमेंट्स और हमें देखने को मिलेंगे। इसके अलावा WWE और कुछ दिखाएगी और काफी इंटरेस्टिंग दिखाएगी हेल इन ए सेल पेपर के बिल्डअप के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी, अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना। और दोस्तों आप जरूर कमेंट करके बताना कि आप रोमन रेंज के अगेंस्ट आप किसे देखना चाहेंगे हेल इन ए सेल पेपर में। और दोस्तों अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे कि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, कीप सपोर्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।